प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हैदराबाद में आयोजित G20 कृषि मंत्रियों की बैठक को किया संबोधित। विश्व को खाद्य और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकी के साथ किसानों को सशक्त बनाने पर दिया बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 से 25 जून तक अमेरिका और मिस्र की 6 दिन की यात्रा पर 21 जून को न्यूयॉर्क में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में होंगे शामिल। चक्रवात विपर्जॉय गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ के तटीय जिलों में टकराया। तेज हवा के कारण गुजरात में कई जगहों पर पेड़ उखड़े, कुछ हिस्सों में बिजली के खंभे क्षतिग्रस्त, राहत बचाव कार्य जारी। केंद्र सरकार ने सोयाबीन और सूरजमुखी के तेल आयात पर सीमा शुल्क को 17.5% से घटाकर 12.5% किया। भाजपा ने पश्चिमी बंगाल सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग पर लगाया संवैधानिक दायित्व न निभाने का आरोप। भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, पश्चिम बंगाल में भाजपा कार्यकर्ताओं पर हो रहे हमले, कानून व्यवस्था की स्थिति खराब। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में हुई मुठभेड़ में 5 विदेशी आतंकवादी ढेर, तलाशी अभियान जारी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केदारनाथ मंदिर में पुनर्विकास कार्य का किया निरीक्षण। केदार आपदा के 10 वर्ष पूरे होने पर आपदा के शिकार लोगों को दी श्रद्धांजलि। कनाडा में एक ट्रेलर ट्रक और छोटी बस के बीच हुई जोरदार टक्कर, करीब 15 लोगों की मृत्यु, 10 अन्य घायल। दुबई में आज से महिला कबड्डी लीग की हुई शुरुआत। महिला कबड्डी लीग में 12 दिन में खेले जाएंगे 31 मुकाबले। देश भर से 120 से अधिक महिला खिलाड़ी ले रही भाग। कबड्डी को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मिलेगी पहचान। इंडोनेशिया ओपन के क्वार्टर फाइनल में किदांबी श्रीकांत और HS प्रणय खेलेंगे मुकाबला। पुरुष युगल के सात्विक साईराज, रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी अंतिम 8 में पेश करेगी चुनौती।